इतना बड़ा स्काई शॉट का डब्बा भाई, मात्र 200 रुपए का देख रहे हो। कितना बड़ा डब्बा भाई, मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा। सच में जितना बड़ा स्कॉर्पियो नहीं होता, उससे बड़ा तो भाई ये डब्बा है। और भाई इस बार के पटाखे इतने ज्यादा सस्ते हैं, इतने ज्यादा सस्ते हैं भाई, चाहे आप कुछ भी ले लो, अनार ले लो, ऊनी बम ले लो, रॉकेट ले लो, बस पूछो मत ना भाई। आज का ये व्लॉग आप पूरा देखना, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से पटाखे का क्या क्या प्राइस है। आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा, जहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि कितने बढ़िया बढ़िया भाई आपको इस बार की दिवाली पे आपको स्काई शॉट मिलेंगे, वो भी भाई मात्र 200 रुपये के आपको ये स्काई शॉट मिलेंगे मात्र। दोस्तों ऊनी बम मिलेंगे आपको मात्र 400 रुपये के 10 डब्बे, वो भी आज के इस 2024 के ऊपर, जो कि 2024 में भगोला के ऊपर। दोस्तों ये जो वीडियो है, दोस्तों आप इस वीडियो को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लगे आप एंड तक जरूर देखना दोस्तों। फिर चलिए फिर आगे का ये वीडियो दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया और यूनिक यूनिक बम पटाखे आज के इस व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों करीबन सस्ते से सस्ते आज के इस व्लॉग के अंदर आपको पटाखे देखने के लिए मिलने वाले हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हैं भाई, आज के इस व्लॉग में आपका वेलकम। 1 सेकेंड। तो भाई जैसे कि आप सब लोगों को पता भाई आ रही है दिवाली, और भाई दिवाली जब आती है तो भाई मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं भाई। काफ़ी लोग बोलते हैं कि प्रदीप भाई पटाखे के ऊपर व्लॉग लेके आओ। तो भाई आज का ये व्लॉग पटाखे के ऊपर ही होने वाला है, और आज मैं हूँ भगोला में। तो भाई जो कि मेरी दूर, मतलब कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से, जो कि गोदाम करीबन मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो चलते हैं और पता करते हैं भाई क्या क्या प्राइजेस होने वाले हैं और कैसे कैसे पटाखे आज हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई वीडियो को शुरू से लेके भाई आप एंड तक जरूर देखना, और आज के इस व्लॉग में भाई मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेके आप एंड तक जरूर देखना। चलिए फिर आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई क्या क्या देखने के लिए हमको आगे मिलता है। तो भाई ये रहा हमारा रूट, अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं और भाई बताते हैं। तो गाइस आज का वीडियो रहने वाला है विशाल फायरवर्क्स के ऊपर, जो कि आज हम इसी के गोदाम में जाने वाले हैं, और आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन से पटाखे हैं जो कि आज के इस व्लॉग के अंदर आप सब लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जो कि विशाल फायरवर्क्स है, जिसकी मैंने आपको इस वीडियो के जिसकी पहले बताया था कि ये रूट है, उस रूट के बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सामने बिल्कुल सटीक अगर आप सीधे सीधे जाओगे तो दोस्तों ये बोर्ड आपको वहीं पर दिख जाएगा, और उसके बगल में इसका गेट है, जो कि भाई ये अंकल जी खड़े थे। जैसे ही मैं इसके अंदर गया तो भाई मतलब कि अभी भीड़ तो ज़्यादा नहीं थी, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई, अगर आपको पटाखे लेने हैं तो भाई किसी भी चीज़ का इंतज़ार ना करें, किसी भी चीज़ का वेट ना करें, तो भाई जल्दी जल्दी जाके पटाखे ले लें। और सबसे पहले आ जाते हैं भाई हम फुलझड़ियों पर, जो कि ये आती है फुलझड़ी, जो कि अगर मैं आपको इन फुलझड़ियों के दोस्तों अगर रेट बताऊँ तो भाई आप रेट सुन के कहोगे भाई पटाखे मतलब कि कुछ सस्ते भी हैं और कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी है। अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये फुलझड़ी मात्र मतलब कि 150 रुपये के, जो कि 10 पैकेट ये होने वाले हैं। और ये जो मेरे हाथ में जो फुलझड़ी थी, ये दोस्तों ये 150 रुपये की 3 फुलझड़ी थी जिनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों इस वाली चक्री की, जो कि इस पर लिखा है स्पेशल चक्री, और ये 10 डब्बे हैं इस चक्री के, वो भी 600 रुपये में, ठीक है। अगर मैं बात अगर मैं दोस्तों अगर आपको इस वाली डीलक्स चक्री के बारे में बात करूँ, तो दोस्तों इस डीलक्स चक्री के जो कि इसके भी 10 डब्बे हैं, जो कि एक यूनिट के 10 डब्बे होते हैं, और ये आपको पड़ेंगे 1200 रुपये के, ठीक है। उसके बाद आती है भाई हमारा कौन सा बम मिलता है भाई, इसके बाद आता है हमारा ये ग्राउंड चक्कर, जो कि बिग वाला भाई ये है 300 रुपये के, 25 मतलब कि 325 रुपये के, दोस्तों 4 से 5 डब्बे होंगे, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ये वाली चक्री राउंड चक्कर वाली, जो कि स्पेशल, जो कि इसका प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसका भी प्राइस आपको 1200 रुपये की, ये 10 डब्बे इसके मिलने वाले हैं। अगर मैं आपको इस वाले बम का प्राइस बताऊं तो जैसे कि आप सामने देख ही सकते हैं, ये वाला बम जो हाँ जहाँ पर बिग इतना बड़े में बिग से लिखा है, इसका प्राइस दोस्तों कुछ ये है, ये आपको मिलेगा करीबन 250 रुपये के 4 बॉक्स हैं इसके, ठीक है। 250 रुपये के दोस्तों 4 बॉक्स इसके हैं। और ये वाला जो आप शायद ये स्काई शॉट है, पता नहीं क्या है वो कुछ समझ, हाँ ये दोस्तों स्काई शॉट है, जो कि भाई ये 1500 रुपये के शायद 5 डब्बे हैं, या ये 5 डब्बे हैं या ये 10 डब्बे हैं, ठीक है। तो 1500 रुपये में दोस्तों, सॉरी ये 1500 रुपये में दोस्तों इसके 20 बॉक्स है, 20, ओके। उसके बाद आ गया भाई ये बिग बॉम, जो कि ये अनार है, ठीक है, ये अनार है, और इस अनार का प्राइस मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों ये अनार के प्राइस 600 रुपये के, ये 10 डब्बे हैं, ठीक है। इस वाले व्लॉग के अंदर दोस्तों पिछले व्लॉग से वाला व्लॉग काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, वो भी विद रेट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ये दोस्तों 1700 रुपये के 10 डब्बे हैं, ओके।
उसके बाद अगर मैं आपको और पटाखे दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ये भी पटाखे रखे पड़े थे, ये देखो ये चक्रियाँ वगैरह हो गई, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर हम आगे चलें तो आगे हमको देखने के लिए मिलता है भाई, एक तो सबसे पहले तो खाली पेटी देखने के लिए मिलती है, उसके बाद हमको 1100 रुपये के दोस्तों ये वाले अनार मिलते हैं, ठीक है, जो जिनके अंदर सिर्फ अनार होता है। ये अनार की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप इसको ले सकते हैं, जो कि 1100 रुपये के ये 10 डब्बे हैं। उसके बाद भाई हमको भाई ये देखने के लिए मिलता है, जो कि 250 रुपये का ये एक डब्बा है, ठीक है। उसके बाद हमको देखने के लिए मिलता है ये भाई, ये है स्काई शॉट, और इसके अंदर शायद 3 पीस होते हैं, और ये 3 पीस का डब्बा हमको मात्र 200 रुपये के ये बहुत बड़े वाले स्काई शॉट देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद आता है भाई हमारा क्या, हाँ उसके बाद भाई आता है हमारा ये जिस पे भाई ये भी शायद स्काई शॉट है, ये स्काई शॉट 1500 रुपये का सेट है, ठीक है। उसके बाद हमको देखने के लिए मिलते हैं ये वाले, जैसे कि वो अनार बम होता है, ये भी अनार बम की तरह है। ये अनार बम दोस्तों हमको 800 रुपये के 10 डब्बे हमको इसके मिलने वाले हैं। साथ साथ में अगर हम बात करें दोस्तों सब बड़े वाले अनार की, तो बड़ा वाला अनार दोस्तों आपको 1500 रुपये की यूनिट, मतलब कि आपको एक डब्बा पड़ेगा 150 रुपये का, और 10 डब्बे पड़ेंगे आपको पूरे भाई 1500 रुपये के, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस वीडियो के आगे देखें तो दोस्तों आगे हमको और भी पटाखे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये उससे छोटा वाला अनार हो गया, और अगर मैं आपको इस अनार का प्राइस बताऊँ तो दोस्तों आपको इस अनार का प्राइस करीबन दोस्तों ये 400 रुपये के 10 डब्बे आपको इसके भी मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। ये देखो ये शायद दोस्तों 400 या शायद ये शायद मतलब कि 1000 रुपये तक के आसपास में होगा शायद ये भी। और उसके बाद अगर हम आगे देखें तो भाई आगे है ये भी अनार है, ठीक है। तो ये अनार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि इसकी क्वालिटी भी मतलब कि थोड़ी ठीक ही थी औरों से, लेकिन भाई इस बार थोड़े पटाखे कॉस्टली हैं, अब मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मतलब कि ये काफ़ी अच्छा अनार है, जो कि अनार का डब्बा दोस्तों बहुत बड़ा है, आपको मेरे हाथ में लग रहा होगा, और इसका भी प्राइस मतलब कि ठीक ही है भाई, इसका प्राइस मतलब कि थोड़ा हाई है। तो ये करीबन दोस्तों आपको 1200 रुपये के 10 डब्बे मिलेंगे इसके, और इसके बाद आपको ये वाले मतलब कि शायद ये स्काई शॉट थे, हाँ ठीक है, स्काई शॉट के बाद आपको ये वाले ऐसे वाले जो कि बम होते हैं ये वाले बम मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप ये डंडा सा देखो भाई, ये बम मतलब कि थोड़ी यूनिक टाइप के बम है, जो कि ये दोस्तों 150 रुपये का एक बॉक्स है, मात्र 150 रुपये का एक बॉक्स है। 280 रुपये का दोस्तों आपको ये डब्बा मिल जाएगा एक, जिसके अंदर जो आप ये वो मतलब कि जो बत्ती सी होती है, जिसको बत्ती को जलाते हैं, तो 150 रुपये का आपको मात्र ये एक बॉक्स मिल जाएगा। उसके बाद भाई आते हैं हमारे ये हाइड्रो बम का डब्बा, ठीक है। हाइड्रो बम की यूनिट दोस्तों आपको 500 रुपये यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। ये वाला तो बम दोस्तों ठीक है, ये वाला तो बम आप भी ले सकते हो, 500 रुपये का डब्बा हो गया, ठीक है। 50 रुपये का एक पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाला बम मिल जाएगा, मतलब कि हाइड्रो ग्रीन, ये वाला पड़ेगा दोस्तों आपको 600 रुपये यूनिट, ठीक है। 600 रुपये का दोस्तों आपको ये वाला पड़ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाले मार्शल ब्लैक वाले बम की, भाई ये बम मतलब कि डब्बा के साथ साथ काफ़ी बढ़िया था, जो कि भाई ये 1500 रुपये की यूनिट है भाई ये, ठीक है। 1500 रुपये का दोस्तों आपको ये वाला डब्बा पड़ जाएगा। और उसके बाद आते हैं हम इस वाले बम पर, जो कि क्लासिक बम है भाई, ये ऊनी बम की तरह होता है ये दिवाली पर। इस बार भाई इसकी पैकिंग चेंज कर दी है, जो कि ये मिलेगा भाई आपको 200 रुपये का डब्बा, और 2000 रुपये के दोस्तों ये इसके 10 मतलब कि 10 डब्बे मिलेंगे, ठीक है। मतलब एक यूनिट इसकी 2000 रुपये की है। उसके बाद आ जाता है हमारा आज़ाद क्लासिक, ठीक है। आज़ाद क्लासिक मिलेगा भाई आपको इस बार 2200 रुपये की यूनिट, ठीक है। 2200 रुपये की यूनिट करोड़ों में करेंगे। उसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका अपना फेवरेट बम नाजी भाई। नाजी इस समय काफ़ी ज़्यादा भाई आसमान के ऊपर भाई इसकी मतलब की रेट पहुँच रहे हैं करीबन दोस्तों 3000 रुपये की यूनिट है। सोचो अगर कोई बंदा इसको बेचने के लिए लेगा तो भाई कितने का लेगा, ठीक है। तो 3000 रुपये के दोस्तों 10 डब्बे नाजी के हो गए। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों आ जाते हैं चलो स्काई शॉट पर, आप देखते हैं स्काई शॉट। ये देखो भाई ये बहुत बड़ा स्काई शॉट था, जो कि मेरे हाथ में आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा ये स्काई शॉट है। और ये स्काई शॉट दोस्तों आपको मात्र मतलब कि एक बॉक्स मिलेगा आपको 700 रुपये का, और जिसके अंदर करीबन आपको दोस्तों 3 से 2 ऐसे स्काई शॉट देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर रखी है दोस्तों बड़ी से बड़ी खूब बड़ी बड़ी भाई देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी ये स्काई शॉट की पेटी है। ये सबसे बड़ी स्काई शॉट की पेटी है, जिस पेटी का प्राइस है करीबन 2200 रुपये। फिर आ जाती है दोस्तों 1200 रुपये की एक और पेटी है, ठीक है। 1200 रुपये की दोस्तों ये वाली पेटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद अगर मैं आपको और बताऊं तो 1200 रुपये की आपको ये वाली पेटी देखने के लिए मिल जाएगी। और उसके बाद दोस्तों 1000 रुपये की दोस्तों आपको पेटी ये वाली देखने के लिए मिल जाएगी, जो इसकी आप ये वाली पेटी देख रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं
दोस्तों 600 रुपए वाली स्काई शॉर्ट की पेटी, ये वाली पेटी आपको मिलेगी दोस्तों 600 रुपए की मात्र स्काई शॉर्ट की पेटी, जो कि बगोला विशाल फायर वर्क पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो आपको आगे, अगर मैं आपको बम पटाखे दिखाऊँ तो भाई आपको आगे बम पटाखे देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ तो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ये भी स्काई शॉट है भाई। ये वाली पेटी तो कसम से काफ़ी ज़्यादा भारी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, जो कि भाई मेरे से तो भाई वाली पेटी उठ नहीं रही थी, तो भाई मैंने इसको ज़्यादा मतलब खोलने की कोशिश करी बट ये खुली नहीं, ठीक है। तो ये पेटी खुली नहीं तो भाई मैंने इसको ऐसा का ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद भाई अगर मैं आपको इसका प्राइस बताऊं तो दोस्तों ये इसका प्राइस भी करीबन, पहले आप ये वाला स्क्रैच शॉट देखो, जिस स्क्रैच मतलब इस डब्बे के अंदर करीबन 10 स्क्रैच शॉट है। और यार इसका प्राइस मैं अगर आपको शो करवाऊं तो दोस्तों आपको इसका प्राइस देखने के लिए मिलेगा 250 रुपये का दोस्तों, इसका एक डब्बा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको ये वाले स्काई शॉट के बारे में बताऊं तो दोस्तों ये वाले स्काई शॉट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जिसके अंदर करीबन 3 पीस निकलते हैं, 3 से दोस्तों 4 पीस निकलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला आपको स्काई शॉट पड़ेगा दोस्तों करीबन अभी मैं आपको भाई रेट दिखाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को भी ऐसे रेट याद ही रहते हैं, ठीक है। तो भाई इसका प्राइस तो मतलब कि ये ऐसे था करीबन 600 रुपये का डब्बा था। उसके बाद भाई हमारे पास जो ऐसी 12 शॉट वाली या 16 शॉट वाली जो हमारी जो ऐसी वाली जो छोटी वाली जो पेटी होती है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। इसका प्राइस है 250 रुपये, ठीक है। तो स्काई शॉट की ये छोटी वाली पेटी दोस्तों आपको आज़ाद की मिलेगी 250 रुपये की, चल रहे ना। उसके बाद भाई अगर हम आगे चलें तो अगर दोस्तों आपको आगे का प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे भाई ये जिसकी 12 शॉट वाली जो जैसे कि ये पेटी है, ये 12 शॉट वाली पेटी दोस्तों एक पेटी मतलब कि स्काई शॉट की वहाँ पर 200 रुपये की भी थी। जी हाँ दोस्तों, स्काई शॉट की मात्र पेटी तो आपको 200 रुपये में मिल जाएगी विशाल फायर वर्क्स के ऊपर, तो जहाँ पे आपको दोस्तों पटाखे मतलब कि पिछली बार से रेट थोड़े दोस्तों ऊपर नीचे हैं, लेकिन अगर आप जितनी जल्दी हो सके भाई आप जाइए, आप अपने पटाखे लीजिए भाई, दिवाली बनानी है तो भाई बम पटाखे तो फोड़ने पड़ेंगे, बट दोस्तों ज़्यादा नहीं, हिसाब से फोड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर भाई मैं आगे चलूँ तो भाई आगे आपको ये वाले मतलब कि जो कैन होते हैं ना, कैन जैसे पेप्सी वाले कैन होते हैं, पेप्सी वाले कैन होते हैं, कोका कोला वाले कैन होते हैं भाई, ये कोको मतलब कि ये उसी कैन की तरह ही भाई, ये उसी कैन की तरह ही भाई ये बम बना दिया है, मतलब कि कैन के अंदर मतलब कि कैसे क्या कुछ जलेगा ये तो भाई जलाने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद भाई हमको ये वाली एक पेटी देखने के लिए मिल जाती है, जिस पेटी का नाम है सोने की भाई ये पेटी है, जो कि इस पेटी का प्राइस भाई अगर मैं आपको प्राइस वाइज भी आपको बताता हूँ, साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ भाई आपको इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स वगैरह भाई इस बार 2024 की वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाए, जो कि मेरी जो पिछली वाली वीडियोज़ थी 23-24 की, उसमें लोग बाग के कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं भाई मतलब कि रेट वेट आपने सही से बताया नहीं, तो भाई इस बार मैंने कोशिश करी कि वीडियो ऐसी बनाई जिसमें दोस्तों आपको सामने जैसे कि आप ये देख रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे ये ऊपर जैसे आप गत्ते देखे ना, इन गत्ते के नीचे जैसे कि ये सब पड़े ना, तो इनके दोस्तों रेट भी पड़े। ये डंडा दोस्तों आपको मात्र ऐसे मिलेगा शायद 150 रुपये का, ठीक है। ये डंडा आपको 150 रुपये का मिल जाएगा, साथ में छोटा भीम होगा दोस्तों, ये छोटा भीम भी आपको सर 180 रुपये का डंडा मिल जाएगा, इसके अंदर करीबन पता नहीं ऐसे 50 कुछ होते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई ये हो गया हमारा हैरी पॉटर वाला बुलेट बम, उसके बाद हो गया ये भाई हमारा छोटा वाला बुलेट बम, छोटा भी वाला, ये वाले पटाखे तो दोस्तों आपको अगर मैं रेट का बताऊं तो आप उनको ऐसे ले आओगे। फिर ये हो गया हमारा छोटा वाला रॉकेट, ठीक है। तो छोटा वाला रॉकेट हो गया जो कि ग्रीन वाला, इसका अगर दोस्तों इनके मतलब कि इन सारी मतलब कि रॉकेटों की प्राइस इसकी देखो 400 रुपये के 10 डब्बे इसके हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों ये 50 रुपये का साथ ये एक डब्बा है, मतलब कि 50 रुपये के 10 डब्बे इसके हैं, ठीक है। 50 रुपये के 10 डब्बे और ये वाला जो बुलेट बम था, इस बुलेट बम को आपको ऐसे मिलेगा करीबन 200-250 रुपये के दोस्तों 10 डब्बे इसके मिलेंगे, 125 रुपये का डंडा दोस्तों। उसके बाद ये छोटा भीम वाला हो गया जिसकी मैंने आपको पहले ही बताया था। अब दोस्तों अगर मैं आपको आगे चलूँ तो आगे कुछ और बम थे जो कि अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊँ तो आपको पता चलेगा भाई ये पहले वाले से थोड़ा बड़ा रॉकेट हो गया। ये रॉकेट आपको मिलेगा मात्र करीबन, अभी दिखाते हैं भाई प्राइस क्या है इसका, प्राइस इस रॉकेट का प्राइस भाई ज़्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो भाई ऐसे होगा 400-500 रुपये का डब्बा, ठीक है, मतलब कि 10 डब्बे इसके। तो भाई ये जो हमारे जो मटका वाले जो अनार बम होते हैं, मतलब कि अनार होते हैं जो ज़्यादातर जो शादी ब्याह में चलते हैं भाई, ये भी मिल जाएंगे आपको, तो भाई आप इनको भी ले सकते हैं बगोला जाकर इस बार 2024 की दिवाली पर, ओके। तो भाई आगे चलें तो दोस्तों मतलब कि ओवरऑल मैंने आपको दोस्तों
इस वीडियो के अंदर जितने भी पटाखे हैं वो सारे कवर तो करवा ही दिए हैं। अगर मैं आपको फुल जुड़ी की बताऊं तो भाई फुल जुड़ी तो मतलब कि 100-100 रुपए के 10 डब्बे ऐसे मतलब कि स्टार्टिंग हो जाती है। फुल जुड़ियों की 100, 150, 200 मतलब कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी क्वालिटी और साथ साथ में उनकी हेड भी और मतलब कि उनकी लेंथ भी बढ़ जाती है फुल जुड़ियों की। ठीक है, तो सामने भाई ये देख रहे हो लोग बाग मतलब कि इतना इतना माल अपने इतना इतना स्टॉक दिवाली के लिए लेके चले जाते हैं, चाहे वो आप पेटी देख लो मतलब कि सारी चीज़ें लेके जाते हैं भाई दिवाली पर। अगर मैं हाँ अगर जैसे कि जो इस बार मतलब कि इनके गोदाम पर दोस्तों जब मैं गया था तो एक जो जैसे कि जो मुर्गा छाप का जो डंडा होता है ना बिजली वाला, तो दोस्तों यार वो वाला डंडा मुझको दिखा नहीं था, तो भाई उसका प्राइस मैं आपको बता भी नहीं सकता। वैसे ओवरऑल अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो दोस्तों उसका प्राइस पिछली बार जैसे कि 500 था तो इस बार ऐसा होगा 600 या 700 से ज़्यादा का नहीं होगा। ठीक है, 100 तो भाई यहाँ पर तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये स्क्रैच शॉट रखा है, कितने मतलब कि इसके अंदर 3 स्क्रैच शॉट होते हैं भाई, ये स्क्रैच शॉट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो भाई हमने भी मतलब जो और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं भी यहाँ से पटाखे लेके आया हूँ, तो अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता चले कि प्रदीप भाई मतलब कि भगोला से कितने पटाखे लेके आए हैं, और जितने भी पटाखे मैं लेके आया हूँ आपको पता चलेगा कि वो सारे के सारे पटाखे मतलब कि मेरे को कितने रुपये के पड़े हैं और क्या कुछ प्राइस है और मैं कौन कौन सी वो सारे पटाखे लेके आया हूँ। तो दोस्तों उस वीडियो के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके, तो आप देख ही सकते हैं। तो भाई ये देख रहे हो कितनी भारी पेटी है भाई साहब, मेरे से तो उठी नहीं थी। ठीक है, तो अगर भाई मतलब कि अब सारा कुछ दोस्तों मैंने आपको आज की इस वीडियो के अंदर कवर करवा दिया है, जैसे कि ये वो मुर्गा छाप के जैसे कि 10 पैकेट होगा, ये 10 पैकेट दोस्तों आपको 300 रुपये के 10 पैकेट इसको मिलते हैं बिजली बम के, जिन्हें आप प्यार से बिजली बम कहते हैं। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो भाई लोग बाग मतलब कि अपना जगह जगह पर भाई अपना बिल वगैरह बनवा रहे हैं, साथ साथ मैं आपको एक बम और दिखाना चाहता हूँ भाई, ये वाला बम मेरे को थोड़ा यूनिक से लगा था, जिसका पता नहीं है इसके। हाँ ये भी दोस्तों स्क्रैच शॉट था, ये दोस्तों 150 रुपये एक डब्बा है। हाँ स्क्रैच शॉट का ये 150 रुपये का डब्बा, जिसके अंदर आपको 4 से 5 स्क्रैच शॉट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो भाई अगर मैं आपको इस वीडियो के मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँ तो आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखने के इस वीडियो के दोस्तों अगर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँ तो सबसे पहले आप ये स्क्रैच शॉट देख लो। तो भाई उसके बाद आप ये देखो मतलब कि ये भी सारे स्काई शॉट थे, क्योंकि भाई इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा ढंग से, देख रहे इतना बड़ा डब्बा है। सोच लो स्कॉर्पियो, सोच लो भाई मेरे हाथ में आटा कितना ज़्यादा स्कॉर्पियो का डब्बा है ये, इसके अंदर आपको ये 3 मिल जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये रहा वो विशाल फायर वर्क्स, जहाँ पे आपको दोस्तों आज की इस ब्लॉग के अंदर मैंने आपको सारे के सारे पटाखे दिखाए। तो भाई आगे दोस्तों यहाँ तक तो भाई मैंने मतलब कि वॉइस ओवरिंग करी थी भाई, अब आप मेरे मुंह से खुद आगे सुनिए कि मैं मतलब कि क्या कुछ कह रहा हूँ। तो फाइनली गाइस भाई इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने भी 2024 के भगोला के भाई पटाखे थे सारे के सारे आपको दिखा दिए, और मुझे उम्मीद है भाई आपको यह ब्लॉग काफी पसंद आया होगा, तो सबसे ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई कर लो भाई, कब करोगे। और कुछ भाई के कमेंट आते हैं हेडीपुल वाले गोदाम के भी मतलब कि पटाखे का ब्लॉग लेके आए, तो भाई जल्दी ही उसका ब्लॉग भाई अगर मैं आपको बता दूं तो उसका ब्लॉग मैं आपको दे दूंगा 11 तारीख को मेरा ऑफ है, 11 तारीख को मेरी छुट्टी है, तो 11 तारीख को दोस्तों हेडीपुल के पटाखे के ऊपर ही ब्लॉग आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मेरे को प्रेस करके रखना ताकि आप वो वाला ब्लॉग भी देख ले भाई, मज़ा आ जाएगा। और एक चीज़ और, अगर किसी भाई ने अगर मेरा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ये रहा वो न्यूज़ चैनल, जिस न्यूज़ चैनल का नाम है प्रदीप लोधी न्यूज़, उसके ऊपर मैं बिग बॉस से रिलेटेड भाई वीडियोज डालते रहता हूँ, चाहे वो बिग बॉस से मतलब के रिलेटेड हो चाहे वो बॉलीवुड से मतलब के रिलेटेड हो, भाई डालते रहता हूँ। तो उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और अपने भाई को ऐसी प्यार एंड सपोर्ट करते रहे ताकि आपका भाई आप सब लोगों को खुश करता रहे और जिंदगी में जो जो ख्वाब सोच रहे हो सारे ख्वाब पूरे करते रहे। चलो जब तक रहना भाई, जय हिंद जय भारत।